हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका youtube.com/md मुदस्सिर आलम चैनल पर स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। 28 फरवरी 2024 आप सब CET UG 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो चुकी है। कल रात में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने CET UG 2024 के एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस आपको www.nta.ac.in के पोर्टल पर मिल जाएगी। साथ ही साथ NTA ने एक अलग से CET UG के लिए एक अलग लिंक जनरेट की है, अलग पोर्टल जनरेट किया है, जिसको विजिट कर आप एप्लीकेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। कैसे आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या है उस नोटिफिकेशन में, इस वीडियो में वो सारी बातें होंगी। आगे आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक देखें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप CET 2024 के रिगार्डिंग मिस ना कर जाएँ। तो चलिए देखते हैं CET UG 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पब्लिक नोटिस 27 फरवरी 2024 की नोटिस है। सब्जेक्ट इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET UG 2024 फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड अदर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ऑटोनमस कॉलेजेस, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी डीम यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं। इसमें डिटेल दिया गया है कि NTA हैज़ बीन मैंडेटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड UGC टू कंडक्ट द CET UG फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर इंस्टीट्यूशन। The CET provides a single window opportunity to students seeking admission in any of the central universities or other participating organizations, including state universities, deemed and private universities across the country. तो ये डिटेल्स हैं, आगे देखते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 CET UG 2024 विल बी कंडक्टेड इन द हाइब्रिड मोड, कंप्यूटर बेस्ड CBT/pen and paper, दैट इज़ OMR शीट एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यानी एग्जाम हाइब्रिड मोड में होगा, कुछ सेंटर्स पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और कुछ में OMR शीट बेस्ड एग्जाम होगा। आगे देखते हैं शेड्यूल क्या है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 27 फरवरी से 26 मार्च 2024 अप टू 11:50 PM रात के 11:50 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI 26 मार्च 2024, यानी 26 मार्च 2024 के रात 11:50 तक आप ऑनलाइन फी सबमिशन कर सकते हैं। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, अगर आपने कोई गलती कर दी है अपने डिटेल्स फिल करने में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में, तो 28 मार्च से 29 मार्च तक आप करेक्ट कर सकते हैं रात 11:50 तक। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, जो सेंटर्स आपने चूज़ किए हैं, आप मैक्सिमम 4 सेंटर्स चूज़ कर सकते हैं। आपको 30 अप्रैल तक या उसके बाद बता दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, कहाँ सेंटर लोकेट हुआ है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स फ्रॉम द NTA वेबसाइट, सेकेंड वीक ऑफ मे से डाउनलोड आप कर सकते हैं। ये सारे डेट्स स्टार मार्क के साथ हैं, टेंटेटिव हैं, जो कि चेंज हो सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 15 मई से 31 मई 2024 तक होगी। वेबसाइट, इन वेबसाइट से आपको जानकारी मिलेगा, आप इनरोल इस वेबसाइट से कर सकते हैं, exams.nta.ac.in/CET/UG। इस डॉक्यूमेंट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर कर दिया है, इस लिंक को भी शेयर कर दिया है, वहां से क्लिक कर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और रिजल्ट को 30 जून 2024 तक डिक्लेयर किया जाएगा NTA की वेबसाइट पर। आगे कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं, आप इन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। CET के एग्ज़ाम को 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन सब्जेक्ट्स में, इन लैंग्वेजेस में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको चूज़ करना होगा फॉर्म फिल करते समय। एग्ज़ाम 380 सिटीज़ में लिया जाएगा और उसमें 26 सिटी इंडिया के बाहर भी हैं। पेपर, स्कीम, टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन देख लीजिए, जो CET UG 2024 के पोर्टल पर आपको मिल जाएगा। पोर्टल यहाँ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो पोर्टल ओपन हो जाएगा इस लिंक के थ्रू।
जिन सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम होंगे, टेस्ट होंगे, उसमें से 33 लैंग्वेजेस के एग्ज़ाम्स होंगे। 27 सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है 50 क्वेश्चन में, और जनरल टेस्ट लिया जाएगा जिसमें 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है आपको 60 क्वेश्चन में। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं 3 सेक्शन से, जो 3 सेक्शन अलग अलग सेक्शन होंगे। एक सेक्शन ये है, इसके साथ साथ डोमेन सब्जेक्ट का सेक्शन है। 6 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम चूज़ कर सकते हैं। ये सारी जानकारी दी हुई है, आप इन डिटेल्स को वीडियो को पॉज कर आराम से पढ़ लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ये लिंक है अप्लाई करने के लिए, इसे लिंक को क्लिक करें। किसी और जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। आगे कुछ और डिटेल्स दी हुई हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। लैंग्वेजेस की लिस्ट यहाँ दी हुई है, लैंग्वेजेस की लिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं। सब्जेक्ट की लिस्ट, डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट यहाँ दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करिए, सारी जानकारी आराम से पढ़ लें। और इसके अलावा कुछ और जानकारी यहाँ पर है, इसे भी आप पढ़ लें। सारे डिटेल्स आप अच्छे से पढ़ लें। इसके बाद लिस्ट ऑफ सिटीज़ फॉर CUET UG 2024, किन किन जगहों पे सेंटर्स दिया जाएगा एग्ज़ाम का, इन ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 4 सिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हैं। ये इंडिया के सिटीज़ हैं और इंडिया से बाहर भी 26 सिटीज़ हैं, जिसकी लिस्ट आपको नीचे मिलेगी। किन किन देशों में एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा वो आप देख सकते हैं, इस शीट में नीचे दिया गया है, ये देख सकते हैं। तो आपको फिर याद दिला दें कि CUET के लिए अप्लाई करने के लिए, UG के लिए आपको जो लिंक है वो लिंक exam.nta.ac.in/CUET UG है। इस लिंक को क्लिक कर आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो वेबसाइट है, यहां जाकर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगी। ये रजिस्ट्रेशन विंडो दिखा रहा है जो लिंक, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन फर्दर करा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए इस चैनल को विजिट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर CUET 2024।